Hello friends, welcome to another episode of Four Vlogs. This is me, your host Nitin. तो गाइज आज फाइनली बहुत दिनों से एक चीज़ अवेटेड थी और वो था ऑटोमेटिक हेडलाइट ऑफ. तो आपने पहले भी देखा होगा हमने ऑटोमेटिक हेडलाइट को ऑफ किया था और आप में से बहुत सारे सब्सक्राइबर्स की रिक्वेस्ट थी, डिमांड थी कि इसके प्रोडक्ट्स आपको अवेलेबल नहीं हो पा रहे हैं. तो आइए आज इसके ऊपर करेंगे पूरी बात. बट जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा. तो आइए शुरू करते हैं. सो गाइज, BS6 के नॉर्म्स के इंट्रोडक्शन होने के बाद एक चीज़ है जो बहुत ज़्यादा हुई है, वो ये है कि रॉयल एनफील्ड की कोई भी बाइक हो, चाहे वो हिमालयन हो, चाहे वो मीटियोर हो, चाहे वो इंटरसेप्टर 650 हो, चाहे वो कॉन्टिनेंटल GT हो, चाहे वो क्लासिक 350 हो, नेक्स्ट जेन हो, पुरानी क्लासिक हो, कोई भी गाड़ी है, उसमें एक बीमारी है, वो है ये कि जैसे ही आप गाड़ी ऑन करोगे, चाहे दिन हो या रात, हेडलाइट जलेगी. लेकिन अब नहीं जलेगी. गाड़ी स्टार्ट है लेकिन हेडलाइट नहीं जलेगी. तो ये वीडियो आपने पहले भी हमारा देखा है जिसमें हमने इसको करके भी दिखाया था. तो आइए आज आपको कुछ बेसिक्स बता देता हूँ. हैंडल पे एक स्विच लगेगा जो कि यहाँ पे इस तरीके से लगेगा. उसके बाद हेडलाइट का डोम है, दिखाता हूँ आपको. हेडलाइट का डोम खोल के दिखाता हूँ आपको, तब आपको बेहतर समझ आएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ. एक बहुत सिंपल सी चीज़ का यूज़ करेंगे और इसको कर लेंगे. अब आप देख सकते हैं मैंने हेडलाइट का डोम खोल दिया है. यहाँ पे मैंने यूज़ किया है एक H4 का कपलर और यहाँ पे जो ओरिजिनल हेडलाइट है रॉयल एनफील्ड की, उसके कपलर के साथ मैंने एक H4 मेल कपलर को अटैच किया. इस कपलर में जो ये सेंटर वायर है, जिसको कि हम कहते हैं कि ये जो सेंटर वायर होती है, ये बीच वाली, इसके साथ मैंने अटैच किया एक स्विच और यहाँ से मैंने ऑफ कर दिया. यहाँ से ऑफ करने के बाद मेरी हेडलाइट ऑन नहीं रहेगी, यानी कि अब मैं दिन में भी चलूँगा तो मेरी हेडलाइट ऑन नहीं रहेगी. अब इसको करने के पीछे क्यों रीज़न है, क्या क्या ज़रूरत क्या है, हेडलाइट ऑन रहे तो क्या फ़र्क पड़ता है, क्या बेनिफिट्स हैं, क्या ड्रॉबैक्स हैं, पहले तो आपको ये बताता हूँ. पहले इस डोम को क्लोज कर देता हूँ क्योंकि आप में से सारे लोगों को समझ आ चुका होगा. ये देखिए, ये ओरिजिनल कपलर है रॉयल एनफील्ड का. इसके ऊपर मैंने एक H4 का मेल कपलर लगाया. ये जो सेंटर वायर होती है, यानी कि जो सेंटर वायर है, ये दोनों वायर जो साइड वाली हैं, वो इस नए कपलर में मैंने एज इट इज़ अटैच करी. इस वायर में ये स्विच लगा दिया, यानी कि एक तरफ से इस स्विच की एक वायर इसमें लगाई और उसी स्विच की दूसरी वायर इस सेंटर वाले येलो पोर्शन में लगा दी. एंड दैट इज़ इट, वायरिंग कंप्लीट. अब इसमें ना तो आपकी वारंटी वॉइड होती है, ना आपकी गाड़ी में किसी तरीके की कोई टेक्निकल फॉल्ट होने की संभावनाएं हैं, क्योंकि हमने ओरिजिनल वायरिंग के साथ कोई भी मिसमैच नहीं किया है. हमने किया क्या है, हमने कपलर के ऊपर एक और कपलर लगाया. कपलर लगाने के बाद जो उसका मेन अर्थिंग का वायर है, उस अर्थिंग के वायर में एक स्विच लगा दिया कि जब हम उसको ऑन करेंगे तो गाड़ी को अर्थ मिलेगा, जब हम ऑफ कर देंगे तो अर्थ नहीं मिलेगा. सो एक बड़े सिंपल से फिज़िक्स को, साइंस को यूज़ करते हुए हमने इस चीज़ को आगे कराया. अब आपको बताता हूँ कि इसको करने का फ़ायदा क्या है और नुकसान क्या है. तो आइए पहले इसको पैक कर लेता हूँ, फिर दिखाता हूँ. सो गाइस, अब फाइनली बात करते हैं कि इसका नुकसान क्या है. नुकसान नंबर वन, कॉन्टीन्यूसली ये हेडलाइट ऑन रहती है और रॉयल एनफील्ड ने एक चीज़ जो इसमें थोड़ी सी अजीब बनाई वो ये थी कि अगर आपकी गाड़ी स्टार्ट है, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, अगर आपकी गाड़ी स्टार्ट है और आपकी ये हेडलाइट ऑन है,
अब फॉर एनी गिवन रीज़न अगर आपकी गाड़ी बंद हो जाती है, मैं एक बार बंद करके दिखाता हूँ आपको गाड़ी, ब्रेक दबा लो बस। अब ये देखिए, आपकी गाड़ी बंद है लेकिन आपकी हेडलाइट ऑन है, क्यों? क्योंकि ये सर्किट रॉयल एनफील्ड ने कहीं ना कहीं अपनी गाड़ी में सेटअप नहीं किया कि अगर किसी भी रीज़न की वजह से आपकी गाड़ी बंद हो जाती है तो एटलीस्ट आपकी हेडलाइट ऑन ना रहे। पहली चीज़, हैलोजन बल्ब की एक अपनी लाइफ होती है जो कि अराउंड 1000-1500 घंटे होती है मैक्सिमम, 1000 घंटे से ज़्यादा नहीं होती है। तो हम रात को जब चलते हैं तो आपको कैलकुलेट तो करता नहीं है कि मेरा बल्ब आज 4 घंटे चला है, कल 3 घंटे चलेगा, परसों 2 घंटे चलेगा। तो एक हैलोजन बल्ब की अपनी एक लाइफ होती है। दूसरी चीज़, जैसे जैसे बल्ब ये पुराना होता जाता है वैसे वैसे ये जो है करीब करीब आप कह सकते हैं कि इसकी जो इंटेंसिटी या ल्यूमिनोसिटी होती है ये कम होती चली जाती है, यानी इसकी जो ब्राइटनेस है वो भी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कम हो जाती है, क्योंकि इसके अंदर होता है टंगस्टन जो फिलामेंट में जलता है जिसकी वजह से ये रोशनी होती है। तो पहली चीज़, बैटरी ज़्यादा यूज़ होती है क्योंकि बैटरी से लगातार पावर आउटपुट ड्रॉ होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि बैटरी को वो ऑप्टिमम चार्ज नहीं मिलता जो उसे मिलना चाहिए। दूसरी चीज़, क्योंकि टंगस्टन फिलामेंट्स होते हैं इसके अंदर, तो ये जब लगातार जलते हैं तो ये अपनी लाइफ जो है वो काफ़ी कम हो जाती है इनकी लाइफ। तीसरी चीज़, जो एक और ड्रॉबैक है वो ये है कि ये बहुत ज़रूरत से ज़्यादा गर्म होते हैं। अगर आपके में एलईडी भी लगा है तब भी फॉर्मूला करीब करीब सेम होता है, क्योंकि एलईडी की भी लाइफ होती है, तो एलईडी बल्ब्स भी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हल्के पड़ने लगते हैं। तो आप अननेसेसरली ड्यूरिंग द डे चलने के लिए भी आपको अब ये करना पड़ता है। अब आप कहेंगे कि ये गवर्नमेंट नॉर्म है तो क्या हम इस लॉ को वायलेट नहीं कर रहे? सर बिल्कुल लॉ वायलेट नहीं होता, क्योंकि गवर्नमेंट लॉ ये कहता है कि आपकी गाड़ी में एक लाइट हमेशा जलती रहनी चाहिए। तो अगर मैं बात करूँ, ये देखिए इस लाइट की, तो ये रिंग लाइट आपकी 24/7 ऑन रहती है, ये कभी भी आपकी बंद नहीं होती है। तो मीटियोर ओनर्स के लिए ये है, हिमालयन इंटरसेप्टर और कॉन्टिनेंटल GT650 के कस्टमर्स के लिए आप अपने हेडलैम्प के डोम के सेंटर में देखिएगा एक लाइट है, वो हमेशा जलती रहती है। क्लासिक रीबॉर्न और क्लासिक नेक्स्ट जेन के जो कस्टमर्स हैं या फिर पुरानी क्लासिक के जो कस्टमर्स हैं, आप उसमें देखिएगा आपके जो ऊपर यहाँ पे टाइगर लैंप्स होते हैं ऊपर हेडलैम्प के ऊपर, वो हमेशा जलते रहेंगे। तो पहली चीज़, इससे आपका कोई भी गवर्नमेंट नॉर्म फ्लाउट नहीं होता है, और दूसरी चीज़ इससे आपको बेनिफिट गाइस हमेशा है, क्योंकि देखिए दिन में अननेसेसरी लाइट जला के देर इज़ नो बेनिफिट आपको मिल रहा है। अगर ऐसा बेनिफिट होता तो शायद कार्स में भी दिन में हेडलाइट जलते, बट प्रॉब्लम यह है कि अगर बाइक्स में एक गवर्नमेंट नॉर्म आता है और हर बाइक मैन्युफैक्चरर कोशिश करता है कि यहाँ उसकी कॉस्ट बचेगी। कॉस्ट कैसे बचती है? ये स्विच जो है, ये स्विच, इसके अंदर एक नया वायरिंग, एक नया मॉड्यूल हट जाता है इसके अंदर से, जिसकी वजह से काफ़ी कॉस्ट बाइक कंपनीज़ को बचती है। और ये सिर्फ रॉयल एनफील्ड की बात नहीं करूँगा मैं, बजाज हो गई, जितनी भी बाइक्स हैं जिसमें ये हैलोजन बल्ब लगे हैं आप उसमें ये किट लगा सकते हैं। अब आपको दिखा देता हूँ एक बार किट भी। ये देखिए गाइस, इस किट में आपको मिल जाएगा एक H4 मेल जो कि आपके ओरिजिनल प्लग के ऊपर लग जाएगा। ये सेंटर वायर है, ये जो अब आपके वायरिंग कट नहीं है तो आपकी वारंटी वॉइड नहीं होती है। ये सेंटर वायर जो है, ये वाली वायर है, इसमें आप जो स्विच लगाएंगे उसका एक तार इसमें लगेगा, और ये देखिए ये दूसरा आपके ओरिजिनल हेडलैम्प में लगेगा, यानी कि ये जो ब्लू वाला वायर है, ये वाला, इसके ऊपर स्विच का एक तार लगेगा, और ये ग्रीन वाला जो है इसमें स्विच का एक तार लगेगा। इस तरह से स्विच कनेक्ट होगा, और ये बाकी प्लग इन प्ले यूनिट है जो कि आपको मैं अवेलेबल करा दूंगा। रेगुलरली ये मार्केट में अवेलेबल नहीं होती है, बहुत टाइम से हमारे सारे सब्सक्राइबर्स कह रहे थे कि प्लीज़ इसको अवेल करा दीजिए, तो बड़े मुश्किल से मैन्युफैक्चरर के साथ बात करके, सिर्फ एक चीज़ आपको करनी है कि यहाँ पे जो ये वायर है, ये जो थिम्बल लगे हैं इसके ऊपर, ये आपको कट करने हैं, एक वायर उसमें जोड़ देंगे और एक वायर जो मैंने अभी दिखाया उसमें जोड़ देंगे, और ये हैंडल बार पे आप कहीं भी माउंट कर दीजिए,
ऑन ऑफ एंड द स्विच विल वर्क फॉर यू। तो अब क्या क्या है, कैसे है, अब आपको ये भी बता देता हूँ। तो देखिए ये वायर की जो ये स्पेशली अगर मैं बात करूँ कपलर्स की, तो ये कपलर्स की अवेलेबिलिटी गाइस बहुत कम है। तो वी रिक्वेस्टेड द कंपनी कि आप हमें एटलीस्ट कुछ प्रोवाइड कर दीजिए, क्योंकि ये देखिए ये जो कपलर्स होते हैं, ये जो आप कपलर देख रहे हैं इस समय, ये आपको इसमें नहीं मिलेगा। ये एक रिले किट आती है करीबन 950 रुपये की, ये उसमें यूज़ होते हैं, क्योंकि ये कार की हेडलाइट रिले किट्स में यूज़ किए जाते हैं। बाइक्स के लिए आपको ये नहीं मिलेंगे। तो कार की रिले हेडलाइट किट आती है, H4 जितने भी मॉडल्स होते हैं उनमें लगती है। तो ये कार के ओरिजिनल कपलर्स में लगते हैं और फिर उस रिले किट के रिले में जाता है करंट, और वहाँ से ऐसे ही फीमेल दो कपलर बनते हैं, तब ये किट बनती है। तो ये किट आपको जो है मार्केट में अवेलेबल नहीं हो पाएगी, लेकिन आप में से बहुत सारे लोग थे जिनकी हमें ये रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर प्लीज़ ये HO अवेलेबल करा दीजिए, इट इज़ क्वाइट रिक्वायर्ड। तो फाइनली हमने कुछ कपलर्स ही हम प्रोक्योर कर पाए हैं, क्योंकि डीलर या कह सकते हैं जो मैन्युफैक्चरर है, उसने हमें अभी बल्क में देने के लिए कोई भी बात नहीं करी है। तो आपको पता है कि मैं ट्रांसपेरेंसी रखने की कोशिश हमेशा करता हूँ। हाँ, ये ज़रूर कह सकता हूँ कि क्योंकि हम दो ही लोग हैं, मैं और विवेक, तो आपको थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन लेट मिलती होगी या फिर थोड़ा सा प्रोसेस डिलेड होता है, लेकिन हाँ, मैं आप लोग का काम हमेशा करने की कोशिश ज़रूर करता हूँ। तो अगर आप इस किट को ऑर्डर करना चाहते हैं, तो आपके स्क्रीन के ऊपर ये जो व्हाट्सएप नंबर फ्लैश कर रहा है, आप इसमें विवेक से बात कर सकते हैं और विवेक आपको ये किट अवेलेबल करा देगा। बहुत ही लिमिटेड क्वान्टिटी में हमारे पास ये किट्स हैं, ज़्यादा नहीं है, क्योंकि मैंने आपको जैसे कि बोला कि वेंडर या मैनुफैक्चरर जो है, उसने अभी तक हमको बहुत ज़्यादा किट्स ना तो देने का प्रॉमिस किया है और ना ही उसने हमें अवेलेबल कराई हैं। तो बहुत ही लिमिटेड नंबर ऑफ किट्स है। अगर मैं बात करूं नंबर्स में, तो शायद 150 भी नहीं है, शायद 100 भी नहीं है। तो अगर आप में से कोई भी इसको लेने में इंटरेस्टेड हो, तो आप इस नंबर पे विवेक से कांटेक्ट कर सकते हैं। इसकी कॉस्ट आपको इंक्लूडिंग शिपिंग पड़ेगी 399। हम आपके घर तक ये सारी चीज़ें पहुँचा देंगे। दिस विल कॉस्ट यू 399 रुपीज़, जिसमें आपको ये तीनों चीज़ें मिल जाएंगी। आपको सिर्फ क्या करना है, एक स्क्रू ड्राइवर को यूज़ करना है और 15 मिनट के अंदर आपकी हेडलाइट ऑन या ऑफ हो जाएगी। सो गाइज, उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। सो विद दिस नोट, दिस इज़ मी नितिन एंड विवेक साइनिंग ऑफ फ्रॉम 4Vlogs फॉर द डे। मिलेंगे आपसे बहुत जल्दी एक और नए वीडियो में। टिल देन, स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, स्टे सिक्योर। गुड बाय।